पूरे देश में कोरोना संक्रमण बहुत ही तेजी से अपने पांव पसार रहा है। जिस तरह से कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसे देखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है तो कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू की भी घोषणा हुई है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। महाराष्ट्र में भी कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अब तो यूपी में भी कोरोना बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिसे देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। राजधानी लखनऊ में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। कोरोना संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और पूरे देश में कल यानी बुधवार को कोरोना के 1,27,198 केस सामने हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इसे देखते हुए आज प्रधानमंत्री बैठक करेंगे और आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी शिवानी वर्मा जी और पूजा वर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पहला सवाल पूजा वर्मा जी आपसे है, जिस तरह से देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है, तो आपको क्या लगता है कोरोना क्या सिर्फ रात्रि में ही निकलता है? जिस तरह से कोरोना का टाइम डिसाइड कर लिया गया है कि नाइट कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कोरोना रात में टहलने को निकलता है या फिर कोई और वजह है जो सरकार रात्रि में कर्फ्यू लगाती है? देखिए वजह क्या है, कोरोना देखिए सिर्फ रात में तो निकलता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी ले लीजिए पश्चिम बंगाल में कितने सारे मतलब रैलियां कर रहे हैं, लोग आए दिन रैलियां कर रहे हैं। आज ही देख लीजिए जेपी नड्डा ने अपनी रैलियां की है, हर लाखों की भीड़ के साथ बिना कोई मास्क भी कोई नहीं लगा रहा, तो क्या वहाँ पे कोरोना का डर नहीं है जी? क्या सिर्फ रात में ही कोरोना का डर होता है जी? पूजा वर्मा जी, अभी आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में अभी जो आंकड़ा हमारे पास है कि देश में बीते दिन यानी कि बुधवार को 1,27,198 केस आए, एक सोचनीय विषय है कि ये पूरे देश का आंकड़ा बताया जा रहा है, लेकिन उस आंकड़े में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु या किसी ऐसे प्रदेश का नाम शामिल नहीं है जहाँ पर चुनाव है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कोरोना चुनावी राज्यों में जाने से मना कर रहा है या फिर सरकार वहाँ के आंकड़े बताना नहीं चाहती? देखिए इन लोगों का कोरोना तो हर जगह कह दिए कोरोना है, लेकिन सिर्फ रैलियां करते हैं तो कोरोना गायब हो जाता है, तब कोरोना का कहीं नामो निशान भी नहीं होता है, ना कोई कोरोना का किसी के मन में कोई डर होता है। अगर देखा जाए तो आज ही के जेपी नड्डा जो रैली निकाले हैं उसमें देख लो, उन्होंने खुद मास्क नहीं लगाया, तो जनता से क्या उम्मीद करना चाहेंगे लोग? जी जी शिवानी वर्मा जी, रोकना चाहूंगी पूजा जी, अभी एक वीडियो जोरों शोरों से वायरल हो रहा है कि 13 मार्च को एक लड़की के पिता ने नहीं लगाया था रोड पे, तो उसको पुलिस वालों ने बेरहमी से पीटा, लड़की भी मांगती है रहमगी की माफ कर दीजिए हमारे पिता को, मगर पुलिस वाले उसके पिता को गिरा कर उसके ऊपर उसकी पिटाई जोरों शोरों से कर रहे हैं। तो ये कहाँ का अन्याय है कि जब नेता रैलियां कर रहे हैं तब उनपे कोई कोरोना का कारण नहीं होता, जब एक आम आदमी जो जा रहा है उन्होंने गलती से मास्क नहीं पहना तो उसकी बेरहमी से पिटाई की जा रही है। शिवानी वर्मा जी, आप ही के सवाल से एक सवाल निकल के आया कि अभी बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक बीजेपी विधायक को रोका गया, पुलिस कर्मियों ने जब उनको रोका और उनसे मास्क के लिए पूछा तो नेताजी खुद ही ज्ञान देने लगे कि रोड पर मास्क की चेकिंग नहीं होनी चाहिए, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उन्होंने कहा कि रोड पर मास्क की चेकिंग नहीं होनी चाहिए, तो क्या अब पुलिस कर्मी घर घर जाकर मास्क चेक करेंगे? अरे प्रतीक्षा जी, बीजेपी नेताजी का तो होता ही नहीं कोरोना, कोरोना तो आम जनता होता है, बड़ी बड़ी रैलियां होती है, आप तक आज तक इतने कोई केस आए हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम में आज तक कोई केस आया जिनको कोरोना हुआ है, वो तो पूरे देश में कोरोना फैला है, वहाँ पर तो जो कोरोना है वो अन्य राज्यों में डबल ड्यूटी कर रहा है, वहाँ पे कोरोना जाता ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कल ट्वीट कर कहा है स्वास्थ्य दिवस पर कि मतलब कोरोना का सब लोग सहयोग करें क्योंकि कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है जिससे कोरोना की रोकथाम की जाए, मगर वहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही है, कोई ना मास्क लगाता है ना कोई कुछ। जी बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, पालन किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में रोड शो किया जा रहा है, ये रैलियां निकाली जा रही है, अभी कल का एक वीडियो मेरे पास आया जहाँ पर अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी खुद बिना मास्क के रोड शो कर रहे हैं और लोगों को, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को ट्वीट कर ये जानकारी दे रहे हैं कि कोरोना
कि कोरोना प्रोटोकॉल का सभी लोग पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। एक सवाल जो सभी के मन में है, आई थिंक आप लोगों के मन में भी होगा कि क्या प्रधानमंत्री जी वो रोड शो का वीडियो नहीं देखे हैं, या फिर प्रधानमंत्री जी उस बात को अनदेखा कर रहे हैं, या फिर ये सारे नियम सिर्फ एक आम जनता के लिए, क्या कुछ कहेंगे आप? अरे बिल्कुल प्रतीक्षा जी, प्रधानमंत्री देखते कहाँ हैं, क्योंकि वो बीजेपी के पक्ष में। अगर मान लीजिए कोई अदर पार्टी करती रोड शो तो उसमें रोक लगा दी जाती, उसमें रोकना चाहूंगी शिवानी जी। अभी पश्चिम बंगाल में जो रैलियां हो रही हैं वो ममता बनर्जी की तरफ से भी हो रही है, अन्य पार्टियां भी रैली कर रही हैं। एक सेकंड प्रतीक्षा जी, अन्य पार्टियां रैली कर रही है तो वही काम तो पश्चिम बंगाल में अपने बीजेपी सरकार भी कर रही है। यहां तक कि मोदी जी जो बार बार दीदी ही कहकर अपमान करती है एक नारी का, वो कितनी शर्मनाक बात है, ये महिला के लिए कितना ज्यादा वो है जी। मैं भी बोलना चाहूंगी जी। आज जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि आज बैठक करेंगे, शाम को कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, मुख्यमंत्रियों के साथ, तो उसमें जो ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं बैठक नहीं कर पाऊंगी। क्या वो अपने चुनाव प्रचार में इतना ज्यादा बिजी है कि उनको मतलब जनता की पूजा जी कोरोना की बैठक में मुख्यमंत्रियों को शामिल करने का महत्व क्या रह जाता है? वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जब कहती है कि कोरोना में शामिल नहीं होगी, कोरोना बैठक में वो शामिल नहीं होंगी क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना है जी। ये भी तो एक सवाल है, अगर इन लोगों को लगता वास्तव में कि कोरोना है तो कोरोना पे बैठक करते। अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जरा से भी ये नहीं, देश की मतलब जरा से भी जनता की चिंता नहीं है कि हमें बैठकर इसकी राय करना चाहिए कोरोना के संक्रमण को कैसे रोका जाए। एक बहुत ही पुरानी कहावत है पूजा वर्मा जी की, सत्ता सत्ता के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। अभी उदाहरण आपके सामने है कि अन्य राज्यों में जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है, वही कोरोना चुनावी राज्यों में जाने से मना कर रहा है, तो फिर ये बैठक का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो कोरोना ही नहीं है। अरे प्रतीक्षा जी रोकना चाहूंगी, क्योंकि जब असम में जाकर मोदी जी ही रैली करते हैं, जब वो खुद ही मास्क लगाने के लिए लोगों को जी, असम में रैली तो कांग्रेस जो शिवानी जी असम में रैली तो राहुल गांधी भी करते हैं, अन्य पार्टियां भी करती हैं, तो आप लगातार बीजेपी पर निशाना क्यों साध रही हैं? सुनिए असम में जितनी भीड़ उनकी बीजेपी में होती है इतनी राहुल जी के उसमें नहीं होती रैली में जी, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है शिवानी जी, अभी एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो की राहुल जी ने असम में रैली करी थी, उस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी। मगर मैम जब केंद्र सरकार ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही, जो कि मौजूदा सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है जी, तो अगर अन्य पार्टी से क्या उम्मीद की जाए? अभी राज्य के पाल लीजिए बिहार राजधानी पटना की बात करें, वहाँ पे डिप्टी सीएम ने सेमिनार किया था, कोई आयोजन किया गया था, उसमें उनके खुद उस आयोजन में मेयर ने बताया मास्क नहीं लगे, जब मीडिया वालों ने पूछा कि आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं, बिना कोई जवाब दे फट से मास्क लगा लिया, और जब डिप्टी सीएम से पूछा गया कि आपके मेयर ने मास्क नहीं लगाया, क्या उनको पालन नहीं करना चाहिए, गाइडलाइन जारी नहीं करना चाहिए पालन, तो बिना कुछ बोले वहां से वो चल निकले, तो इसका अगर चुप्पी साधने का क्या मतलब है? क्या उनको कोरोना का जरा से भी भय नहीं है, कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं? जी जी, मैं आप लोगों की बात से सहमत हूँ। अभी एक और सवाल शिवानी जी आपसे, कल अभी पंजाब में जब नाइट कर्फ्यू की घोषणा हुई थी तो व्यापारियों ने रोड पर प्रदर्शन करना शुरू किया था, और उन्होंने बस एक ही सवाल पूछा था कि क्या नेता जो रैलियां करते हैं उनमें कोरोना नहीं होता है, व्यापारियों के लिए कोरोना क्यों है? बावजूद उसके पंजाब सरकार ने लॉकडाउन लगा ही दिया, पंजाब सरकार ने रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है, जिसके चलते पंजाब में अभी 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, व्यापारियों का व्यापार बंद हो गया है, जो कि नाइट में रेस्तरां हो गए, बार हो गए, इन सब का व्यापार जो है वो चौपट हो गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कल व्यापारी लगातार प्रदर्शन करते रहे और सरकार का फरमान जारी हो गया कि नाइट कर्फ्यू लगेगा। अरे प्रतीक्षा जी, उनको आम जन की बात ही नहीं सुनना है तो क्या, उनको जो अपनी मनमानी करना वो करते रहते हैं, उनको आम जन से क्या मतलब है? जनता चाहे भूख से तड़प रहा है, चाहे उसका जितना नुकसान हो, उनको अपनी राजनीति से मतलब है। उनको जनता की अगर परवाह होना तो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो इसको ध्यान में रखकर जो रैलियां की जा रही है उनको रोका जा, उनपे तो कोई रोकथाम नहीं, बस आम जन को परेशान करना है। कोरोना तो है ही नहीं मैम, आम जन को बस परेशान करना है बस। नहीं कोरोना कैसे नहीं है शिवानी जी, अभी लगातार जो केसेस आ रहे हैं, अभी जो आंकड़ा हमारे पास है कि 1,27,198 केस बीते दिन पूरे देश में, इतने सारे केस निकल के आए, तो क्या कहना चाहेंगी? मतलब क्या आपकी नजर में ये सारे केस फर्जी है? मैम हम ये नहीं कह सकते कि ये केस फर्जी है, मगर
सोचिए अभी 3-4 महीने में तो नहीं था कोरोना, एकदम से ऐसा कोरोना क्या हो गया जो एकदम से वो आ गया इतना। होली के टाइम कितना ज्यादा होली हुई क्यों, कोरोना आ गया एकदम से, ऐसा क्या रीजन हो गया है कि जो कोरोना एकदम से आ गया। ये तो है ना कि बीच में जो 3-4 महीने में कोरोना नहीं था वो कोरोना फिर चला गया था। देखिए सरकार ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू की थी, लोगों ने वैक्सीन ली, उसका फायदा हुआ। अभी मौसम में परिवर्तन हो रहा है, शायद इसलिए कोरोना बढ़ रहा है। अभी ये तो रिपोर्ट ही बताएगी कि आखिर कोरोना के बढ़ने का इतना बड़ा रीजन कहां से। रोकना चाहूंगी मैम, जो जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है उनको ही कहां कोरोना नहीं हुआ, अभी तक जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है उनको भी कोरोना हो रहा है। तो ये क्या है वैक्सीन का, या तो ये जो वैक्सीन है ये अपना प्रभाव नहीं कर रही है, या तो ये वैक्सीन फर्जी है। देखिए अभी बॉलीवुड पर भी कोरोना का कितना ज्यादा कहर हो रहा है, बड़े से बड़े दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता सब कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। तो क्या वो एहतियात नहीं बरते हैं, आखिर ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि बॉलीवुड पर भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और भी बहुत लोगों को कोरोना हो रहा है। अगर लखनऊ में कोरोना की बात करें तो लखनऊ में बीते 3-4 दिनों से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत के कुलपति कोरोना से संक्रमित हो गए, उनका निधन हो गया। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि कोरोना नहीं है, कोरोना है, लेकिन एक सवाल ये भी तो है कि क्या कोरोना सिर्फ और सिर्फ अन्य राज्यों में रहेगा, चुनावी राज्यों में कोरोना जाने से मना कर रहा है क्या, ये सवाल तो सभी के मन में है। रोकना चाहूंगी मैम, जैसा आपने कहा कि कुलपति के हो गए, एक गरीब के नहीं होता है कोरोना, ऐसा क्या है जो अमीर अमीर लोगों को होता है, बॉलीवुड एक्टर्स को होता है, ऐसा क्या है कोरोना किसी गरीब को नहीं हो रहा है, जो भूखे मर रहे हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है, टाइम टू टाइम रहने के लिए आवास नहीं है, उनके तो कोरोना होता है। मैं बोलना चाहूंगी शिवानी जी, ये मैं कहना चाहूंगी अभी लेकिन जो एक आम जन है जो पैदल चलते हैं रोडों पर उनको कोरोना नहीं होता, जो बॉलीवुड एक्टर्स अभिनेत्री है जो उनको देखिए आए दिन कोरोना निकलता है, आए दिन जो इतने मतलब कार से चलती कार से उतरती उनको बताया कोरोना हो रहा है। अरे सारे फैसिलिटी होते हुए भी पूजा जी उनको कोरोना क्यों ना हो, क्योंकि अधिकतर तो लोग बीजेपी के सपोर्ट में है, जो लोग बीजेपी के सपोर्ट में है उनको तो कोरोना होगा ही, क्योंकि उनको दिखाना है आंकड़े। और मुझे ये नहीं सुनना कोरोना एक ही साथ हो जाता है सबको, मतलब यही हमें 3-4 महीने में कोरोना बिल्कुल नहीं हुआ, अभी 2-4 दिन में ऐसा रफ्तार पकड़े है कोरोना कि जैसे लग रहा है इतने दिनों में कोरोना ने छुट्टी ले ली थी, अब एकदम से आकर अपने घर में वापस आ गया है अपने राज्यों में। जी बिल्कुल, लेकिन हम आप लोग सवाल से भटक रहे हैं, हमारा पूछने का आप लोगों से ये मतलब था कि जिस तरह से राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो क्या कोरोना रात्रि में ही आता है, नाइट कर्फ्यू लगाने से फायदा क्या होगा, क्या कोरोना वहीं पर थम जाएगा, आखिर क्या है नाइट कर्फ्यू क्यों लगाया जा रहा है, ऐसा ये सवाल है हमारा आप लोगों से। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं, अभी देख लीजिए ग्राम पंचायत जो भी चुनाव आने वाले उसमें भी मतलब बता दिया गया है, उसमें भी अपील किया गया है कि सिर्फ 5 लोगों के साथ ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो आप बताइए जब उन लोगों के लिए ये सब मतलब नियम किए गए हैं तो ये जो आए दिन जेपी नड्डा गृह मंत्री अमित शाह करते हैं क्या इनके लिए कोई अपील नहीं है। बिल्कुल 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 सही कहा, अभी आपको बताया कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां पर भीड़ दिखे वहां पर लोगों का चालान कर दिया जाए, 4 से 5 लोगों से अधिक लोग जहां पर है उनका चालान कर दिया जाए, दुकानों पर अगर भीड़ दिखे तो उस दुकान का चालान कर दिया जाए, अगर नहीं मान रहे लोग तो उस दुकान को सील कर दिया जाए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आज सुबह आया, तो जिस तरह से उन्होंने कहा अभी खुद कल जाकर पश्चिम बंगाल में रैली को संबोधित कर दिया है, तो ये तो वही हो गया चिराग तले अंधेरा, मुख्यमंत्री जी अपना प्रदेश संभाल नहीं पा रहे हैं, आप जा रहे हैं दूसरी जगह रैली करके और खुद के यहाँ बता रहे हैं कि भीड़ ना दिखाओ, इस पर क्या कहेंगे आप। रोकना चाहूंगी प्रतीक्षा जी, जैसा कि उन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी और वहाँ पश्चिम बंगाल जाकर खुद रैली कर रहे, जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना है, कोरोना की धज्जियां उड़ाना है तो रैली तो वहाँ करना ही है, क्योंकि वहाँ पे धारा 144 का कोई वैल्यू ही नहीं, क्योंकि उनको रैली में भीड़ दिखाना है। अगर मान लीजिए वहाँ पे धारा 144 लागू कर दी जाए या कोरोना के नियमों का पालन करवा दिया जाए तो उन लोगों के पास भीड़ कैसे आएगी। और देखिए सबसे बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो कि आम जन वहाँ जनता की उनको पूरी मतलब एक खुद में उनको ये होना चाहिए, जो कोरोना इतनी तेजी से बढ़ा उस पर बैठक होने जा रही है, आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठक करेंगे, उसमें वो बिल्कुल शामिल होना ही नहीं चाह रहे, उनको अपने चुनाव प्रचार में इतना ज्यादा वो बिजी है कि उनको देश की जनता को या अपनी जनता को कोई भी फिक्र नहीं, उनको सिर्फ अपने चुनाव प्रचार से ही उनको मतलब। अच्छा एक और सवाल आप लोगों से कि जिस तरह से नाइट कर्फ्यू की घोषणा की जा रही है, देश में कोरोना इतनी तेजी से बढ़ रहा है, कई राज्यों में तो लॉकडाउन हो भी गया है, यदि संपूर्ण लॉकडाउन देश में एक बार फिर से लग जाएगा तो क्या होगा, इस पर कुछ अंदाजा है आप लोगों को।
जी बिल्कुल, अगर लॉकडाउन लग गया तो बहुत ज्यादा तबाही आ जाए, क्योंकि जो गरीब है पहले से ही लॉकडाउन लग गया था, अपना खुद बजट नहीं मेंटेन कर पाए हैं। अब अगर लॉकडाउन लगा दे तो बहुत ज्यादा तबाही, जो आम जो गरीब इंसान है बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे। रोकना चाहूंगी पूजा जी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के चलते देश पिछड़ गया है, उन्होंने कितने एयरपोर्ट भेज दिए, कितने रेलवे स्टेशन भेज दिए कि हाँ अर्थव्यवस्था उनकी पूरी गड़बड़ा गई थी, उस बजट को मेंटेन करने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया, फिर ये कोरोना महामारी को रोकने के लिए वो क्यों नहीं एहतियाती बरतते हैं, वो जो रैलियां बड़ी बड़ी करते हैं उन पर क्यों नहीं रोक लगाई जा रही है। देखिए मोदी जी ने कल ट्वीट किया था, शिवाजी जी रोकना चाहूंगी, कल मोदी जी ने खुद ट्वीट किया था कि सभी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना करें, बहुत सारी चीजें वो लगातार लोगों को संबोधित करते हैं, तो वो कहते रहते हैं कि कोरोना से बचाव बहुत जरूरी है। रोकना चाहूंगी मैम आपको, उन्होंने ये कहा है ट्वीट करके, उन्होंने रैली में आज तक इतनी इतनी रैलियां होती हमने देखा है कि रैलियों में उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाते हैं, उन्होंने आज तक ये नहीं कहा है रैली में कि कोरोना का भी ध्यान रखें, कोरोना जैसी महामारी कई राज्यों में बढ़ती जा रही है उस पे रोकथाम की जाए, लोग प्रोटोकॉल नियम का पालन करें, इस पे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जय श्री राम जब होता है जय भगवान के नाम पे वो लोगों को यही आगे कर देते हैं, ऐसा कई राजनीति की जाती है। सोचिए जब एक देश का प्रधानमंत्री अगर राज्य में, जबकि उसके लिए सारे राज्य समान है, तब वो पश्चिम बंगाल में उनको तो जाना ही नहीं चाहिए, उनको तो अगर जाना है तो वो पूरे राज्य को असमान समझे, जैसा कि राजा के लिए सभी प्रजा बराबर होती है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो जाकर, उनके लिए तो सभी राज्य बराबर है, जो जाकर पश्चिम बंगाल में खुद चुनाव रैली को संबोधित करते हैं, तब वो कोरोना के नियमों का पालन नहीं बताते हैं, तब वहाँ पे कोरोना नहीं होता है, फिर अन्य राज्यों में आकर बताते हैं कि देश का कोरोना के नियमों का पालन करें। शिवानी जी अभी राजधानी लखनऊ की बात करें, अभी विवाहिक समूह हुआ था, लखनऊ के मुख्यमंत्री जी गए थे स्टेज पे, जाकर खुद मुख्यमंत्री ने अपील की थी कि सभी लोग मास्क लगा लें और सोशल डिस्टेंस बना लें, तो जब यही मुख्यमंत्री असम में गए थे रैली को संबोधित किए थे, तब एक बार भी स्टेज पे जाके नहीं बोले कि आप लोग सोशल डिस्टेंस बना लीजिए, मास्क लगा लीजिए, क्या सिर्फ आम जन के लिए ये सब कोरोना होता है, क्या रैलियों में कोरोना नहीं होता है। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इसे देखते हुए राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, इससे सभी के मन में डर भी है कि अगर एक बार फिर से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा तो आखिर जनमानस का क्या होगा, लोग अपने रोजगार से हाथ धो बैठेंगे और न जाने कितनी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। ये डर हर किसी के मन में है कि यदि देश में पूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर देश का क्या होगा, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से लॉकडाउन में लोगों को समस्याएं हुई थी उससे लॉकडाउन का नाम सुनते ही लोगों की रूह तक कांप गई। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली बार एक नए मुद्दे के